हेलो दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, हमारे गांव में दो दिन से लगातार बहुत तेज बारिश हुआ, तो उधर का घर का कंडीशन देखिए दोस्तों, धसक गया है बारिश के पानी से। और अभी दोस्तों हम लोगों को नांगर फाड़ने जाना है, तो अभी चलेंगे। और आज तो देखिए सूर्य उगा है, तो चलिए चलते हैं नांगर फाड़ने के लिए। दोस्तों, अगर आप भी अपने खेतों में गोरु और भैंसा से नांगर जोतवाना चाहते हैं तो हमें संपर्क कीजिएगा। ये गोरु और इधर देखिए भैंसा। और हमारे मैनेजर का नंबर बताइए। मेरे को मालूम नहीं। और कैसे घंटा जोतते हैं बताओ संजय। 6 घंटा का 600 रुपया बनेगा, पाटा रघरी फ्री। और दोस्तों, आप लोग पैर छोलने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं अपने खेतों का। ये देखिए 8 घंटा में कितना लेते हैं, 8 घंटा का बोल रहे हैं, 8 घंटा का 400 पैर छोलने के लिए। और जल्द ही जल्द संपर्क करें नांगर जोतवाने के लिए। दोस्तों, आज संजय लोगों का खेत को जोत रहे थे, ये देखिए ये पूरा खेत को कंप्लीट कर लिए हैं। और दूसरा खेत में अभी शिफ्ट होते हैं, संजय नांगर ले जा रहे हैं। वो देखिए दूसरा खेत में वो महुआ पेड़ दिख रहा है ना दोस्तों, वहीं पे जा रहे हैं, तो वहीं पे अभी नांगर को ले जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा बचा है, उसको अभी कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, गाँव में कुछ ऐसे ऐसे आदमी रहते हैं ना जिनको हमारी वीडियो से दिक्कत होता है। वीडियो तो हम बनाते हैं लेकिन प्रॉब्लम उनको होती है, पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, वीडियो बना के क्या कर लेगा फलना तिसका जो भी हो। देखिए, वीडियो हम बनाते हैं क्योंकि हमें वीडियो बनाना अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, तो हम वीडियो बनाते हैं। आप हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, आप अपना काम कीजिए। हम अपना काम कर रहे हैं भाई, आपको थोड़ी बुला रहे हैं कि हमारा काम कर दीजिए, ये कर दीजिए। तो आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। वीडियो बनाना अच्छा लगता है तो वीडियो हम बनाते हैं। और देखिए, हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। और दोस्तों, आप लोग भी वीडियो बनाते होंगे ना, तो ऐसे ही कोई आदमी डिमोटिवेट करता है, बुराई करता है आपका, तो उनके बातों को ध्यान मत दीजिएगा, अपना काम करते रहिएगा। तो आज मौसम कुछ अच्छा किया था, धूप किया था, और अचानक अभी बादल गरजने लगा है, ये देखिए बादल को। और अभी हम लोग इधर को जोत रहे थे दोस्तों, और अभी 12 बज चुका है और हमें इस खेत को तैयार करना होगा। ये देखिए 2-3 ठो है, छोटा छोटा है, और 12 बज चुका है क्योंकि हम लोगों का खेत बचा था ना वहाँ लास्ट में, वो दिख रहा है, उसको जोत रहे थे तो थोड़ा सा लेट हो गया। और इस खेत को हम लोगों को तैयार करना होगा क्योंकि इधर देखिए हम लोगों का बीड़ा एकदम कुमला जा रहा है, तो इसको तैयार करना पड़ेगा। 3-4 बजे तक ये खेत कम्प्लीट हो जाएगा, बीड़ा एकदम पूरा ख़राब हो जा रहा है ना दोस्तों, तो आज थोड़ा ओवर टाइम नांगर जोतना पड़ेगा। ये लोग उधर बीड़ा नींद रहे हैं वो देखिए, तो हम लोगों को आज जल्द ही जल्द इसको तैयार ही करना होगा, नहीं तो और ख़राब हो जाएगा। मैं घर आ चुका हूँ और भैंसा को भी इधर देखिए चारा डाल दिया हूँ। और इधर देखिए दोस्तों, यहाँ पे गाय बांधे थे ना, आज यहाँ पे गाय बांधे थे तो कुछ घास उस पड़ा हुआ है और गाय को चराने ले गए हैं। और इधर देखिए गोबर उबर पड़ा है, घास वास, और इधर तो कीचड़ रहता ही रहता है बरसात के दिनों में। तो चलिए यहाँ पे घास जो पड़ा है उसको साफ कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। दोस्तों, इधर देखिए पूरा कीचड़ है और इधर भी देखिए पूरा कीचड़ ही कीचड़ है। और आज मौसम कुछ अच्छा किया है तो इसको बराबर कर देते हैं। आज पानी वानी 2 दिन से नहीं आ रहा है तो अभी सूखा है, तो इसको बराबर मिला देते हैं ताकि सूखा रहे। तो देखिए दोस्तों, इसको बराबर कर रहा हूँ, इसमें बैल वेल चलते हैं ना तो गड्ढा हो जाता है, सूखा है तो इसको बराबर कर दिए रहते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद दिखाएंगे कैसे दिखेगा, बराबर कर लेते हैं इसको सबसे पहले। गड्ढा गड्ढा हो गया। दोस्तों, मेरे से जितना हो सका उतना बराबर किया हूँ, ये देखिए। अगर 2 दिन पानी नहीं आएगा ना तो ये सूख जाएगा और लोगों को भी आने जाने में थोड़ा दिक्कत नहीं होगा, आसानी होगा। ये देखिए कितना अच्छे से बराबर कर दिए हैं।
फिलहाल पानी दो दिन से नहीं आ रहा है, इसीलिए बराबर किए हैं, नहीं तो कीचड़ कीचड़ रहता है। अगर सूख जाता है ना दोस्तों तो आदमी लोगों को भी आने जाने में आसानी होगा। आदमी लोगों का इसी रास्ते में आना जाना रहता है तो थोड़ा आसान हो जाएगा, उतना कीचड़ का सामना करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों ये देखिए छोटा वाला चिरको खुकड़ी दाई खेत जाते टाइम उठाए हुए थे, और फिलहाल अभी घर में सब्जी नहीं है तो इसको मैं अभी धो के पत्ता में अंगरा में डाल के इसको पुराऊंगा। तो चलिए इसको साफ करते हैं। ये देखिए अभी पानी में इसको अच्छा से साफ करेंगे, फिर पत्ता में हल्दी मसाला डाल के अंगरा में पुराएंगे। दोस्तों ऐसे खाना मेरे को अच्छा लगता है। दोस्तों पक गया है अच्छा से, तो इसको डालते हैं फिर अभी खाना के साथ खाएंगे। मस्त बना है, हल्का सा नमक नहीं भुना है। वाह मस्त बना है दोस्तों, अच्छा लग रहा है। ये देखिए पक के तैयार हो गया है और थोड़ा गर्म है। एक नंबर स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों देखिए हम लोगों का भैंसा को सानी भूसा खिलाने का टाइम हो गया है, और घास और पैरा को सान चुके हैं, और देखिए भूसा को भी इसमें सानेंगे। ये देखिए खिलाते हैं, और ये भैंसा ना दोस्तों बहुत गंदा कर देता है, पैर को मिट्टी वाला को इसमें डाल देता है तो पूरा गंदा कर देता है ठोंगा को, फिर इसको साफ करना पड़ता है रोज दिन। तो चलिए खिलाते हैं दोस्तों। हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।